गुम है किसी के प्यार में सीरियल में सही वीनू के बारे में पता करती दिख रही है, और आप देखेंगे कि सही को वीनू के बारे में पता भी चल जाएगा। लेकिन आपने देखा ही होगा कि भवानी काकू अपने खानदान के चिराग के लिए पत्र लिखा और बाकी सभी को कहती नजर आ रही है, और अब उसे पता चलेगा कि उसके खानदान का चिराग जिंदा है। ऐसे में ये बात कैसे भवानी काकू तक पहुंचेगी, उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सीरियल में देख रहे होंगे कि सही अनाथ आश्रम से वीनू के बारे में जानकारी निकालती नजर आ रही है, और वो अनाथ आश्रम वालों से पकड़ी भी जा चुकी है। ऐसे में अब आप देखेंगे कि सई को ये पता चल जाएगा कि उसका वीनू जिंदा है और वही विनायक है जिसे विराट और पत्रलेखा ने गोद लिया था। और जब सई को इस सच के बारे में पता चलेगा तो वो सबसे पहले विराट के पास जाएगी, क्योंकि विराट ने उससे इतने बड़े सच को छुपा कर रखा था। और आप सीरियल में देखेंगे कि फिर से विराट और सई के बीच ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार सई सीधे चौहान निवास जाती नजर आएगी और सीधे भवानी काकू के पास वीनू का डीएनए रिपोर्ट लेकर जाती नजर आएगी कि उसके खानदान का चिराग विनायक ही है जिसे विराट जानते हुए भी सभी से छिपा रहा था। आपको क्या लगता है इस टाइम सीरियल का सबसे बड़ा विलन कौन है, कमेंट में आप जरूर बताएं।